मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे आवर सब्जेक्ट इज वैल्यू एजुकेशन स्टैंडर्ड 5th, चैप्टर 5, द काइंड वुड कटर, दयालु लकड़हारा। वंस अपॉन अ टाइम इन अ जंगल, एक वक्त की बात है जंगल में, ए वुड कटर वॉज अबाउट टू कट अ लार्ज एंड ब्यूटीफुल ट्री, एक लकड़हारा एक बड़े पेड़ को तोड़ने ही जा रहा था। जस्ट देन, उसकी थोड़े ही वक्त बाद, ए ब्यूटीफुल फॉर्म एमर्ज फ्रॉम द ट्री, एक खूबसूरत छवि आकृति उस पेड़ में से बाहर आई। सी स्माइल एट द वुड कटर एंड सेड, वो वुड कटर लकड़हारे को देख के मुस्कुराई और कहा, ओ गुड मैन, ओ अच्छे इंसान, आई एम द गॉडेस ऑफ द जंगल, मैं जंगल की देवी हूँ, वन देवी हूँ मतलब में, एंड आई रिक्वेस्ट यू नॉट टू कट दिस ट्री, और मैं तुमसे ये इल्तिजा करती हूँ कि तुम इस पेड़ को मत काटो। द वुड कटर वॉज वेरी सरप्राइज टू सी हर एंड सेड, वुड कटर उसको देखकर बहुत सरप्राइज हो गया मतलब मैं चौंक गया और कहा, बट माई डियर लेडी, मगर देवी, प्यारी देवी जी, आई शेल फायर वुड एंड मेक द मनी, मैं लकड़े जलाने के लिए लकड़ियां बेचता हूँ और पैसे कमाता हूँ। इफ आई डू नॉट कट द ट्री, अगर मैंने पेड़ नहीं काटा, आई वोंट मेक एनी मनी टूडे, तो मैं आज कोई भी पैसे नहीं कमा पाऊंगा, एंड माई चिल्ड्रन विल डाई विथ हंगर, और मेरे बच्चे भूख से मर जाएंगे। द गॉडेस स्टॉप टू थिंक एंड सेड, देवी ने थोड़ी देर के लिए सोचना बंद कर दिया और कहा, यू आर राइट, तुम सही कहते हो, बट मैनी फैमिलीज लिव इन माई ट्री, लेकिन बहुत से कुटुम्ब या खानदान मेरे पेड़ पर रहते हैं। दे ऑल विल सफर, वो सारे बर्दाश्त करेंगे, इफ यू कट इट, अगर तुम उसको काट दोगे तो वो सबको दुख लगेगा, दुख होगा। वाई डोंट यू कलेक्ट द ट्विग्स एंड ब्रांचेस दैट हैव फॉलन एंड यूज देम फॉर अ वाइल, तुम ये जो छोटी छोटी जो लकड़ियां हैं और टहनियां हैं, उसको जो गिरी हुई है, उसको क्यों नहीं उठा लेते, कुछ वक्त के लिए उसका इस्तेमाल क्यों नहीं करते। द नेक्स्ट टाइम यू नीड वुड, दूसरी वक्त तुम्हें लकड़ी की अगर जरूरत होगी, कट अप एन ओल्ड ट्री दैट इज ऑलमोस्ट डेड, तो एक पुराना पेड़ जो लगभग मर ही चुका है उसको काट लेना, दैट वे द फैमिलीज इन दिस ट्री विल नॉट सफर, तो इस तरीके से इस पेड़ पर जो फैमिलीज रहती है, खानदान कुटुम्ब जो रहता है, कबीला रहता है, उसको हालातों से नहीं गुजरना पड़ेगा, यानी दुख बर्दाश्त नहीं करना पड़ेगा। द वुड कटर अग्रीड, लकड़हारा राजी हो गया, एंड लेफ्ट आफ्टर कलेक्टिंग सेवरल शैटर्ड ट्विग्स, और जो इधर उधर जो लकड़ियां पड़ी हुई थी, बिखरी हुई थी, उनको तोड़कर जो उसको उठा लिया उसने, ब्रोकन ब्रांचेस एंड स्ट्रे लॉग्स, और जो इधर उधर लकड़ी के टुकड़े गिरे हुए थे, छोटी छोटी टहनियां थी और डालियां थी, उनको उठाकर उसने उनको शैटर्ड ट्विग्स तोड़ा मतलब उनको, और लेकर वहां से चला गया। ए फ्यू डेज लेटर एज द वुड कटर वॉज वॉकिंग थ्रू द जंगल अगेन, कुछ दिनों के बाद लकड़हारा फिर से जंगल में से गुजर रहा था, ही केम फेस टू फेस विथ अ लेपर्ड, तो उसके सामने अचानक क्या आ गया, एक चीता आ गया। ही डिड नॉट नो वॉट टू डू, अब उसको समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। जस्ट देन अ डव फ्लू पास द लेपर्ड, जब उसको समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं, तभी एक कबूतर वहां से उड़ा, लेपर्ड के पास से गुजरा, चीते के पास से गुजरा, एंड वेन द लेपर्ड टर्न, जब चीता मुड़ा टू वॉच द बर्ड, पक्षी को देखने के लिए, यानी के कबूतर को देखने के लिए, ए स्नेक स्लिटर्ड अप टू इट, एक सांप सरक के उसके ऊपर गिरा, एंड हिस्ट वाइली, और फूफाने लगा, एकदम क्रूरता से लेपर्ड की तरफ फूफाने लगा। द लेपर्ड वॉज पेट्रीफाइड एंड फ्लेड इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, लेपर्ड ये देख के दंग रह गया, घबरा गया और थोड़ी दूर ऑपोजिट डायरेक्शन में चला गया, लीविंग द कंफ्यूज वुड कटर बिहाइंड, और जो लकड़हारा जो कंफ्यूज था, डरा हुआ था, बेचैन था, उसको पीछे छोड़कर आगे निकल गया। ही आस्क्ड द स्नेक, फिर लकड़हारे ने स्नेक से पूछा, सांप से पूछा, आर यू गोइंग टू बीट मी नाउ, क्या तुम मुझे काटने वाले हो अब। नो सेड द स्नेक, सांप ने कहा, नहीं, आई एम हियर टू हेल्प यू, मैं तुम्हें यहाँ पर तुम्हारी मदद करने आया हूँ, एज
ऑल्सो इज द डव, और इसी तरह कबूतर भी तुम्हारी मदद करने आया है. यू डिड नॉट कॉट अवर ट्री, तुमने हमारे पेड़ को नहीं काटा. वेन माई बेबीज वेयर बॉर्न, जब मेरे बच्चे पैदा हुए थे. एंड आई रिमेम्बर, और मुझे भी याद है. यू टेलिंग द ट्री गॉडेस, तुमने वन देवी से कहा था. दैट यू हैड चिल्ड्रन, के तुम्हारे बच्चे हैं. आई डिड नॉट वॉन्ट योर चिल्ड्रन टू बी ऑफन, मैं तुम्हारे बच्चों को अनाथ बनाना नहीं चाहता था. सो आई डिड, तो मैंने ऐसा किया. वॉट एवर आई कुड, जो मैं कर सकता था टू सेव योर लाइफ, तुम्हारी जिंदगी बचाने के लिए. द वुड कटर वॉज टच, ये बात वुड कटर के लकड़हारे के दिल को छू गई. ही थैंक द स्नेक, उसने सांप का शुक्रिया अदा किया. एंड द डव, और कबूतर का भी. एंड रिटर्न होम विदाउट कटिंग एनी ट्री, और घर पर वापस लौट गया, एक भी पेड़ को उसने वहां पर काटा नहीं. ही वॉज श्योर, और वो उसको ये इस बात की तसल्ली थी, यानी उसको इस बात का यकीन था. इफ ही चूज अ काइंड प्रोफेशन, अगर उसने किसी अच्छे काम धंधे को पसंद किया. काइंड मतलब यहाँ पर ऐसा जिससे किसी को नुकसान न हो. ही वुड ऑलवेज हैव द ब्लेसिंग एंड हेल्प ऑफ अदर्स, तो उसे हमेशा दूसरों की मदद और आशीर्वाद मिलता रहेगा या मिलेगा. सो द मॉरल ऑफ द स्टोरी इज, थॉट ऑफ द डे इज, काइंडनेस इज द वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट वर्च्यू. सदाचार, वर्च्यू मीन सदाचार, अच्छे काम करना, अच्छे अखलाक होना, ये सबसे बड़ा ग्रेटेस्ट, पूरी दुनिया का सबसे बड़ा मतलब है. काइंडनेस इज द वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट वर्च्यू, मतलब काइंडनेस मतलब दयालुता, रहम, ये दुनिया का सबसे बड़ा अच्छा काम है, मतलब में अच्छे अखलाक होना है. बाय.